गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं लेंजेस लॉ। तो क्वेश्चन क्या है? स्टेट लेंजेस लॉ। तो ये क्वेश्चन आता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। तो चले देखते हैं क्या है लेंजेस लॉ। तो लेंजेस लॉ ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड EMF इज such that it always opposes the main cause of its production। इसका मतलब क्या है कि जो भी electromagnetically induced होने वाला EMF है वो हमेशा oppose करता है किसको, जिसके कारण ये create हुआ है, right? So जब भी हमको पता है transformer का example, तो transformer में क्या रहता है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग रहता है और सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है। तो अगर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के हिसाब से अगर लेंजेस लॉ को देखा जाए तो इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन सा हो गया, जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जनरेट होता है, वो उसके डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है ये लेंजेस लॉ। इज सच दैट, इसकी डायरेक्शन सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द मेन कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। मेन कॉज क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग में जो रहता है वो EMF, बराबर। तो लेंजेस लॉ ये बोलता है कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जनरेट होता है जो EMF, उसका डायरेक्शन हमेशा जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो EMF रहता है उसको अपोज करता है, यही बोलता है लेंजेस लॉ। अगर इसको इक्वेशन में लिखना है तो इसको लिखा जाता है इज इक्वल टू माइनस एन डीफाई बाई डी टी। ये रहता है, हमको पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और ईएमएफ उसका वो उसका यूनिट हमेशा वोल्ट रहता है। और ये नेगेटिव साइन क्यों लिखा है, क्योंकि हमने देखा है कि लेंजेस लॉ बोलता है कि डायरेक्शन ऑलवेज अपोज करता है, वही इधर लिखा है कि negative sign indicates the direction of EMF is induced opposite to the rate of change of flux। क्या है rate of change of flux? तो ये है rate of change of flux। जहाँ भी ये differential term रहता है d by dt, t मतलब time, time मतलब rate of change, जब भी हम dt बोलते हैं तो उसको rate of change बोलते हैं, of flux, flux क्योंकि flux numerator में है, तो d by dt of phi, तो वही है rate of change of flux। तो यही है लेंजेस लॉ। इट स्टेट्स दैट डायरेक्शन, जो भी सेकेंडरी वाइंडिंग में जनरेट हुआ हुआ ईएमएफ है उसका डायरेक्शन हमेशा जो प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ क्रिएट हुआ है और जो भी प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ रहता है उसको अपोज करता है, तो यही है लेंजेस लॉ। तो चलो दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।